माई पर हमें हमारी वचन कहां दबेगी, हमारी वचन कहां दबेगी। और ऐसे और भूपर भाई श्री पिंटू सिंह जी आएंगे, नेत्रों शांत बना करके आप लोग अपना जिताता कौन है आपको बता दूं, इस सीट पे जहां हम खड़े हैं 40,000 वोट राजभर का है। आप योगी जी को भी दिखाई दे रहा है, अखिलेश को भी दिखाई दे रहा है, मायावती को भी दिखाई दे रहा है, सोनिया को भी दिखाई दे रहा है। कल तक दिखाई नहीं देता था, कल तक दिखाई नहीं देता था। यहां 35,000 वोट निषाद केवट का है, कोई मानता नहीं था। यहां 40,000 वोट कुशवाहा का है, यहां 25,000 से 26,000 वोट पालर प्रजापति का है, नाई काबोर का है, और यहां 40,000 से 45,000 वोट सैखवार का है जो हमने रीड किया है। इसके अलावा जब मैंने धरातल को टटोला तो हमने योजना बनाकर मैं दिन भर किसी दिन 7 किसी दिन 9 जनसभा में बिहार में कर रहा था, 5 दिन सभा किया, हेलीकॉप्टर से मैं बिहार में घूमा। आपके मोबाइल पे या गूगल पे चले जाओ आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सभा करता था, रात को चिंतन करता था कैसे चुनाव जीता जाए। हमने महेंद्र राजभर डॉक्टर बलराज राजभर से कहा कि जाओ अपनी फौज लगाओ, और आज पता कर लेना कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में हमारा सिपाही खड़ा होकर के इनके लिए वोट न मांग रहा हो। और यही नहीं, हमारे जन अधिकार पार्टी के साथी, हमारे जनता क्रांति पार्टी के साथी, हमारे भारत माता पार्टी के साथी, हमारे मोर्चे के सभी लोग मजबूती से गांव गांव घूम रहे। आपको पता नहीं लेकिन हमारी टीम, हमारा मोर्चा मन बना चुका है। दुनिया चाहे कुछ कहे, हमको चैलेंज करता हूं, आ जाए योगी जी हेलीकॉप्टर से के वोट दे। अच्छा दिन हो ना, अच्छे दिन के लिए वोट दिया गया था ना, बोलिए गलत तो नहीं बोल रहा हूं। बीजेपी के लोगों ने बोला था कि अच्छा दिन आएगा, अच्छे दिन के लिए वोट दिया गया। अच्छे दिन में अरहर की दाल आज मैं सुबह खरीदवाया था। आज सुबह मुझे घर से खबर मिली कि भाई अरहर की दाल नहीं है। हमने दुकानदार को फोन किया कि भाई 50 किलो दाल पहुंचा दो, तो वो कह रहा कि नेताजी रेट वो मालूम रहा। हमको नहीं मालूम तो नहीं है, फुटकर में 130 रुपया है, आप मंत्री हैं इस नाते आपको हम 115 में दे देंगे। धान 130, अच्छा दिन। आलू 40 रुपया किलो, अच्छा दिन। प्याज 80 रुपया किलो, अच्छा दिन। सरसों का तेल 110 रुपया, अच्छा दिन। 40, अच्छा हम 110 में खरीद ले रहे हैं भाई, रोज बढ़ाता आप दिखाई थे अच्छा दिन बा। और जब बुरा दिन तब रहल, जब बीजेपी ना रहल, बुरा दिन रहल तब का रहल, आलू 10 रुपया, प्याज 10 रुपया, अरहर का दाल 60 रुपया, सरसों का तेल 50 रुपया, नहीं बचावा वो तो बुरा दिन रहल। सब्जी दुकान पे जाके कोई भी व्यक्ति आलू प्याज टमाटर ले लेता था, गोभी ले लेता था या भंटा ले लेता था, तो वो कहता था कि भैया यही में धनिया मरचा आदि डाल दे, वो डाल देता था। आज अच्छा दिन, 200 रुपया किलो धनिया का पत्ती भी चाहता, 250 रुपया किलो आदि, 100 रुपया किलो मरचा, कैसे वो व्यापारी देगा आपको, ये अच्छा दिन है। इसी बात की लड़ाई सदन में मैं लड़ रहा था, मेरी जो लड़ाई अपने लिए नहीं, रुपया कमाना होता हूं प्रकाश राजभर को, तो मैं वहां पहुंच गया था जहां रुपए का खजाना था, वहां पहुंच गया था। लेकिन मुझे रुपए का गम नहीं, 17 साल हो गया, पर 18 साल शुरू होगा, 17 साल हो गया, पिछड़े दलित गरीब कमजोर अल्पसंख्यक इनकी लड़ाई लड़ते लड़ते 17 साल बीतने जा रहा है। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो छोड़ के भाग जाता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर
बहुत बेहया नेता ही जानते हैं, बेहया जानते हैं ना? अच्छा के बेहया जाना था था। जानते हैं ना? वो हरिया रही भाई, पानी पौतो हरिया जाए ना, पनप जाए। अब आज देखा, अब पानी हमने पागल है, बोला हरिया होगल कि ना होगा, कोई कहता कि सपा के लोग घूम रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी के लोगों, तेरे कारनामे की वजह से, तेरी गुंडई, तेरे भ्रष्टाचार की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। बोलो सही है गलत है? इनके गुंडई से, इनके तानाशाही से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके गुंडाराज से बीजेपी ने नारा दिया, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। अब जनता सोचेगी तो सही है कहा था, अभी वोट पा गई ना, जब सरकार बन गई अब ही बनी। अभी एक पाल की हत्या होती है, विधायक हत्यारे के साथ खड़ा होता है, पूरी सरकार हत्यारे के साथ खड़ी होती है, और तो और वहां का विधायक जब हत्यारे के साथ खड़ा होता बयान देता है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बुलाते हैं तो गुलाब के फूल बरसा करते हैं उसके ऊपर। अरे तुम्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर पिछड़े समाज के हो तो ऐसा जघन कृत्य किए हो, तुझे तो इस्तीफा देके घर चला जाना चाहिए था, ऐसा अध्यक्ष पद लेने से क्या फायदा? क्या हम भूल गए? हम भूले नहीं। हाथरस की घटना, दलित की बेटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, हम जौनपुर में निषाद की बेटी के साथ रेप होता, बलात्कार होता है, रात को ही लाश जला दी जाती है, जब ओम प्रकाश राजभर खड़ा होता है तो मुकदमा लिखा जाता है। ये भूल गए? नहीं भूला है। हम सरकार से इसी बात को एहसास कराते थे कि देखो आपने कहा कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो ये गुंडा राज भ्रष्टाचार, आप तो समाजवादी पार्टी के बाप निकल गए, वो तो बेटा बन गया, तुम तो बाप निकल गए। अब ना हट गया गुंडा राज और भ्रष्टाचार युक्त तेरी सरकार है, इस नाते ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा देकर तेरे सरकार से जा रहा है। छोड़ दिया, आपके बीच में हूं, मुझे मंत्री पद का नहीं, विधायक का नहीं, मुझे सिर्फ एक बात की चर्चा है। मैं चाहता जो हूं 74 साल की आजादी में सदन के अंदर 403 विधायक हैं और 403 विधायकों में हमारी पार्टी से मात्र 4 एमएलए हैं और 4 एमएलए में आप बताओ ओम प्रकाश राजभर सदन से लेकर सड़क तक गरीब कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक बताओ तेरी लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? कितने लोगों को जानकारी है? हाथ उठाओ, जानकारी है? अब देखो हम लोग तो 4 लोग हैं, अब हम 5वां चाहते हैं, हम 5वां चाहते हैं। और बहुत आसान है, कोई आप पूरे देवरिया सदर में कोई गांव जाके पता कर लो, 98% राजभर चिल्ला रहा है बल्ला पर वोट देने के लिए। बोलो सही है गलत है? 98% चिल्ला रहा है, कुशवाहा चिल्ला रहा है, पाल प्रजापति चिल्ला रहा है, निषाद बिंद केवट चिल्ला रहा है। अब सही खबर तो अभी भाई एक मास्टर हमारे संगे रहना राधे श्याम सिंह, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे कार्यक्रम वहां चले गए। अब मास्टर के साथ अब हमारे पिंटू भाई मिल गए। आप बताइए, जब कोई भी देता, भर देता, चौहान देता, पाल देता, प्रजापति देता, निषाद देतो, नाई देतो, गोड़ देतो, जुल्हा देतो, दुनिया देतो, अंसारी देतो, ब्राह्मण देतो, राजपूत और देतो, अभी आपके आश्चर्य हुई, बता तो रहा हूं खेल देखो। अभी इसी चुनाव में आप देखिएगा, जिस दिन ओम प्रकाश राजभर की बात समझ में आ गई, वो चुनाव आते आते 3 तारीख को ब्राह्मण समाज बूथ पर जाकर के बीजेपी को हराने के लिए, एक दो हत्या नहीं 3000 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है 3.5 साल में। एक ब्राह्मण मरा था, अंग्रेज भाग गया था, एक ब्राह्मण मरा, अंग्रेज भाग गया, यहां 3000 लोगों के मरवा देने वाली होगी। अब सोच ले का हुई, तुम लोग सोचे तो भाजपा को वोट मिली, कब वो न मिली। अरे ये लोग देख ललन की सही खबर इधर तो पंडियो जी इधर
वो साथ ना गई है, उन लोग का ज्यादा तुम्हें पिछड़ा आंकड़ा देख ला, वो 29,000 बहुजन समाज पार्टी पहुंचे रहा। पंडित जी लड़ल रहा, बोला जीती हन, ईमानदारी से आप बताओ जीती हन ना जीती हन। आप चला समाजवादी पार्टी, 41,000 पहुंचे रहा, बड़ी कोशिश करी हन तो 45,000 जाइबा, 46 जाइबा, 50 ना डरबा। इधर की हन 50 ना डरती हन। अब इधर देखा, अब बचल के भाजपा 88,000 के भी होले रहा, ओम प्रकाश राजभर और सही खबर मिल के भी होले रहा। कुशवाहा दिया था, निषाद दिया था, केवट दिया था, चौहान दिया था, पाल दिया था, प्रजापति दिया था, बोलो दिया था कि नहीं दिया था। आपका हाल है, सही खबर का वोट निकाल दा, राजभर का वोट निकाल दा, कुशवाहा का वोट निकाल दा, पाल प्रजापति का निकाल दा, निषाद का निकाल दा, भिंद का निकाल दा, केवट का निकाल दा। आप बताओ ये कुल जोड़ लेवा ना तो ज्यादा ना हो 80,000 वोट हो जाता पोलिंग, 2.5 लाख वोट हो खाली पिछड़े समाज का, 2.5 लाख में पोलिंग हुई तो 1.25 लाख, और 1.25 लाख के छोड़ दा हम ओके 80,000 मानत थे, 80,000 खाली बीजेपी से निकाल देगा तो 88,000 पोले रहा, 8,000 बचत हो ना। कहाँ जीती है के दे वोटवा, घुमा चाहे हेलीकॉप्टर से घुमा चाहे बाजा बजावा, आई ओम प्रकाश राजभर हमन पूर्वांचल में जीता सकता हूँ अगर 1.25 सीट तो पूर्वांचल में हराने की भी कुवत ओम प्रकाश राजभर के पास है। देख लिया तू सीट पूर्वांचल में बात चुनाव मछली सर जय जौनपुर मलहनी हुआ भी चुनाव लड़क थी वहां बीजेपी की हरवाई, यहाँ चुनाव जीता, यहाँ चुनाव जीत के हरवाई, हेलीकॉप्टर लेके आवा चाहे हवाई जहाज लेके आवा तो उसे ज्यादा पौर उठाओ। हम ओम प्रकाश राजभर कमजोर ना आई, 3 हेलीकॉप्टर बिहार में खड़ा है, 3 हेलीकॉप्टर जब मर्जी जो उन्हें हेलीकॉप्टर के बदला आइए उठी है। हम तो सोचले नहीं है लेकिन हमरे रामानंद बहुत जिताना की साहब ये छोट चुनाव का हेलीकॉप्टर से चला जाए हमके जाए। अब आप ही बतावा हम आने जो चाहत है, हम चाहते पिंटू भाई के वहां पहुंचा के शेर ओम प्रकाश राजभर शेर की तरह लड़ता था कि सीआर की तरह, कितना जने के मालूम है कि शेर की तरह लड़ता था, शेर की तरह। तो हम चाहते पिंटू सिंह को आप भेजो हमारे साथ, हम दोनों शेर बनकर टूट पड़े भाजपा के पास 22 मई को नेशनल अवार्ड कर देंगे। 22 में जेके घमंड होई नोट कर लिया, हम आज चैलेंज देके जाते ही फिर आई 31 तारीख की, 31 तारीख को फिर आऊंगा और चुनौती दे रहा हूं। ये दोनों शेर योगी जी को घमंड है तो हमको भी घमंड है। 22 में उन्हें लखनऊ से उठा के वहां पहुंचाई जहां भीख मांगने का ट्रेनिंग देवल जाला। ये हम आने के समझावत हूं आवत हूं चौथ हूं आए तो पिछड़ो हमको वोट दो। बिहार में भाषण देवन है कि वोट देवा तो फ्री में वैक्सीन मिली जो नहीं बीमरिया बा, बिहार में फ्री में मिली हिया का करवा पैसा में देवा, वहां फ्री में बोलो तुमन इनकर जय नेता तय किसी का बोलो तुमन। जेपी नड्डा बोल दिए कि 300 आतंकवादी आ जाएंगे नहीं तो आप हमको वोट दीजिए, बॉर्डर का सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारा हो कि हम आने का हो, कैसे आवत तुमन ओके रोका भाषण कम करा, जवन हम आने चाहता ओके करा, हम आने चाहतीला जवन है 27% आरक्षण बा एके हम 30 मई 2018 को अलग बंटवारा करा दिया, 27 को बांट दिया 7, 9, 11 तीन कैटेगरी में, 7% उनको जिन लोगों ने हिस्सा हम आबादी से ज्यादा ले लिया, 9% उनको जिन लोगों ने हिस्सा अधिकतम पाया, 11% उनको जिन लोगों ने हिस्सा एकदम नहीं पाया है। 3 भाग बांट की दरोगा की भर्ती होगी 100 में 27 तो 27 की भर्ती होगी तो 3 लाइन लगा के होगी, लेखपाल की भर्ती सिपाही की भर्ती स्टोनो पेशकार की भर्ती होगी तो 100 में 27 और 27 में 3 लाइन लगा के भर्ती होगी। ये लागू हो जाए तो 5 साल के अंदर निषाद का बिंद का केवट का मल्लाह का माझी का मझवार का चौहान का राजभर का पाल का नाई का गोड़ का बारी का बिहार का बेटा 5 साल के अंदर तेरे जिले में सिपाही दरोगा स्टोनो पेशकार आके दिखाई देने लगेगा। बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? सही है। इस लड़ाई को ना योगी जी के पास जवान
हम चाहत थी ला बतावा ये कानून लखनऊ से पास होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए। कितना जने चाहते कि होए के चाहिए ये कानून पास होए बदे हम लोग भैया पिंटू जी के पिंटू सिंह को हम अपने साथ हम लखनऊ ले जाने की तैयारी में हैं। हम दूसरा काम क्या चाहते हैं, हम चार लोग लड़ते हैं, पांचवा हमको जरूरत है शिक्षा के सवाल। हम कानून बनाना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल है उसमें से हम टाट हटाना चाहते हैं, टाट हटाना चाहते हैं और छह महीना के अंदर हम वहां 150 बेंच लगाना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं शिक्षा के सवाल पे, 1 से लेकर 16 तक स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कापी किताब भी दवाई भोजन वजीफा दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने की व्यवस्था हम लागू कराना चाहते हैं। और क्या उसी में चाहते हैं, जो पाठ्यक्रम जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हो रही है वही पढ़ाई हम सरकारी स्कूल में लागू करेंगे, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करेंगे। आप बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये कानून से खाली पिंटू ओम प्रकाश के लाभ हो कि सबके लाभ हो? सबके लाभ हो। ये लाभ के आपके न मिले एक बदले समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भाजपा लगल हम कहते घबरा मत, ये लोग का दवाई हम कर, भाजपा का दवाई आपने देखा 2 साल मिनिस्टर था। अब अगर विपक्ष की भूमिका विरोधी दल की भूमिका अगर कोई निभाया तो दुबके थे अखिलेश, दुबके थी मायावती, दुबके थे कांग्रेस के नेता। अगर सदन में विपक्ष की भूमिका निभाया तो ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर की हैसियत लगते हुए किसके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। इस नाते आपसे कहता हूं कि शिक्षा के सवाल पे कोई समझौता नहीं। एक हमारी सोच है कि जो गरीब कमजोर बच्चे जो डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनने का सपना सजोए इनके पास पैसा नहीं ये पढ़ नहीं सकते, हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम कोचिंग खोलना चाहते हैं बिना पैसे में डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की कोचिंग 75 जिले में खोलवाकर हम गरीब के बच्चे को हम कलेक्टर डीएम एसपी बनाना चाहते हैं। ये हमारी सोच है, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ पिंटू सिंह जी खड़े ये तैयार हैं। और